ग्रहों के स्वामी सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ राशियों के जातकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के तुला राशि में गोचर से कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ेंगी, जिनके लिए उन्हें उपाय करने होंगे। इस दौरान जातकों को विवाह संबंधी समस्याएं, वैवाहिक संबंधों में खींचतान, आकस्मिक चोट लगना या आकस्मिक रूप से बीमार होना पड़ सकता है। सूर्यदेव कन्या राशि से तुला राशि में 17 अक्टूबर 2024 की सुबह को प्रवेश करेंगे। हरिद्वार के ज्योतिषी ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। तुला राशि में सूर्य नीचस्त हो जाते हैं। अगर हम बात करें मेष राशि की, तो आपकी मैरिड लाइफ में तो इस समय अच्छा समय नहीं रहता। और मीन राशि से अष्टम सूर्य है, हालांकि मीन राशि वालों के लिए सूर्य मित्र ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के भी मित्र हैं। लेकिन मीन राशि से षष्ठेश रोग स्थान के स्वामी सूर्य अष्टम भाव पे जा रहे हैं, तो आकस्मिक दुर्घटना में चोट लगने का योग, आपके पैर में चोट लगने का योग इस समय रहता है। और मेष राशि वालों के लिए विवाह संबंधित इस समय रिश्ता, आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। उपाय, सबसे अच्छा उपाय इस समय, सूर्य जब नीच के होते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो मैंने समस्या बताई, अगर आप भी इन समस्याओं से ग्रसित चल रहे हैं पहले से, तो नित्य प्रतिदिन कम से कम ये मास, जो ये सूर्य का तुला राशि में महीना रहता है, इसमें आप रोज सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ कीजिए। और सूर्य को जब सूर्य उदय होता है, उस समय गुड़ मिलाकर जल दीजिए।